आज सुबह के समय फिर एक बार परमेश्वर के संगति में एक बार मिलके आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर खोला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर के कृपा और अनुग्रह अधिक अधिक हमारे जीवन में काम करने के हिस्से से परमेश्वर आज भी हमें जीवित खड़े रखें, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम लोग पिछले दिनों से परमेश्वर के वचन से कलीसिया के बारे में, कलीसिया के सदस्यों के नामीकरण के बारे में हम लोग देख रहे थे। आज भी वही चीज़ को हम लोग देखेंगे, भाइयों के बारे में बाइबल किस तरीके से कहती है उस चीज़ के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे। अपने बाइबल को निकालेंगे, आमोस के पुस्तक पहली अध्याय उसकी नवी वचन, द बुक ऑफ एमोस चैप्टर 1:9। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Yes. चोर तीन क्या वरन चार अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर लिया और भाई किसी वाचा का स्मरण न किया। आमेन, प्रेज गॉड। ये आमोस के पुस्तक पहली अध्याय उसकी नवी वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि उसकी नवी वचन में लिखा गया है। एक बार उसके 9 को एक और बार पढ़ते हैं, नवी वचन एक और बार। यहोवा यूं कहता है, यूं कहता है, चोर के तीन, हाँ, क्या वरन चार अपराधों के कारण, हाँ, मैं उसका दंड न छोड़ूंगा उसके बाद, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को, हाँ, सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया, उसके बाद, और भाई किसी वाचा का स्मरण न किया। भाई की वाचा को वो लोग स्मरण न किया, वही वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि भाई की जो वाचा थी उसको वो लोग क्या कर दिए, तोड़ डाले। कलीसिया के अंदर भी ऐसे ही लोग हैं, कलीसिया के नामीकरण में भाइयों का नाम दिया गया, वो लोग भी ना कलीसिया के अंदर भाई के समान रहते हैं, मगर जो कलीसिया की जो वाचा रहती है, भाई की जो वाचा रहती है, जो ट्रिटी रहती है, जो कवनेंट रहती है, उसको तोड़ने वाले विश्वासी लोग भी कलीसिया के अंदर हैं। ये आमोस का किताब पहली अध्याय नवा वचन जब वो अगर पढ़ते हैं तो इसकी विवरण अच्छी तरीके से अगर देखना है तो देख सकते हैं। दूसरी समूएल की किताब 5वां अध्याय उसकी 11वीं वचन पढ़ते हैं तो देख सकते हैं। दूसरी समूएल की किताब 5वां अध्याय उसका 11वां वचन, सलोमोन की जमाने में हुआ एक हिस्सा है यहाँ पे लिखा गया। दूसरी समूएल की किताब 5वां अध्याय उसकी 11वां वचन, तब शोर के राजा, हाँ, ने दाऊद के पास और दिलदारू की लकड़ी और बढ़ई और राजमिस्त्री भेजे और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया। देखो ना, ये काय के लिए है, यीशु मसीह के मिलाप वाले तंबू को बनाने के, नहीं तो जो दाऊद के द्वारा परमेश्वर बनाना, दाऊद बनाना चाहता था मगर उससे परमेश्वर बनवाए नहीं, मगर उसके बेटे सलोमोन के द्वारा बनवाने के लिए सब कुछ दाऊद ने क्या कर दिया, तैयार करके रखने के बाद जो परमेश्वर के मंदिर के लिए जो जरूरत वाले चीजें हैं, जो लकड़ी वकड़ी है और कामकाज करने वाले लोग हैं, वो लोगों को एदोमियों के राजा से वो क्या किया था, एक ट्रीटी किया था, एक कवेनेंट किया था, एक वाचा बंधवाया था कि हम तुम्हें कुछ देंगे, तुम बदले में हमें कुछ देना। तो इसराइली लोग क्या बोले जानते हो, उनका अनाज, तेल और ऐसी तरीके से चीज़ें वो एदोमियों के राजा को देकर, एदोमियों के राजा से लकड़ी ऐसे चीज़ों को क्या करेंगे, लेके आने के लिए, क्योंकि वो एदोम के देश के लोग क्या करते हैं, लकड़ी के काम के बहुत अच्छे कारीगर थे, तो वो काम का प्रसिद्धिकरण था, इसीलिए उनको क्या किया गया, एक वाचा बना के रखा कि हम लोग एक भाई के हिसाब से क्या करेंगे, आपस में सहायता बांट लेंगे। मगर क्या हुआ जानते हो ना, एदोम का राजा क्या कर दिया, फायदा देखते ही, मौका देख मिलते ही इसने क्या कर दिया, इसराइलियों को ही कैदी बनाने वाली परिस्थिति आमोस के पुस्तक में लिखा गया है। सलोमोन के जमाने में मंदिर के लिए बनाने के लिए जो वाचा ये लोग रखी थी, वो वाचा के माने उन जमानों में ये लोग कवनेंट करते थे, वाचा ट्रिटी। हेलो, क्या वाचा कि मैं तुझे आशीष करूंगा तो तू भी मुझे ही आशीष करेगा,
मैं कभी भी तुझे श्रापित नहीं करूंगा, मैं तेरे विरुद्ध कभी काम नहीं करूंगा। वही चीज ना अब्राहम बहुत सारे लोगों के साथ वाचा किया, अनुभव को हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि वो वाचा क्यों करते हैं, ताकि वो लोग अपने भाईचारा को बताने के लिए, नहीं तो अपने भाईचारा में वो मिलित है उस चीज की वर्णन करने के लिए। इसीलिए जो कोई भी वाचा देता है वो कभी भी किसी के विरुद्ध नहीं होता। मगर ये एदोमिय का राजा क्या किया, बहुत सालों के बाद, नहीं तो आमोस के उस जमाने में क्या कर दिया, इसराइलियों का विरुद्ध बनकर, इसलिए इसराइलियों को क्या करना शुरू कर दिया, कैदी बनाना, बंदी बनाना शुरू कर दिया। हेलो, ये चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए। आज भी कलीसिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं, कहते हैं वो भाईचारा में है, वो कलीसिया के सदस्यों का नामकरण में भाई का हिस्सा लाकर कवनेंट परमेश्वर के साथ वाली उस रिश्ते में वो लोग आने के बाद भी मौका मिलने पर, फायदा मिलने पर कलीसिया को भी बंदी बनाने वाले बहुत सारे भाइयां हैं। उनके लिए परमेश्वर बोलने वाला वचन इधर देख सकते हैं, क्या जानते हो ना, उसकी आमोस का किताब पहली अध्याय उसका नवी वचन में बताया क्या कहते हैं, परमेश्वर की न्याय विधि उनके ऊपर नियुक्त रीति से आएगा। क्यों, एक बार वाचा बांधने के बाद अगर एक व्यक्ति विरुद्ध बनता है तो उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट इज श्योर। इसलिए बाइबल कहता है अगर एक व्यक्ति हल चलाने के लिए तैयार है और वो पीछे की ओर मुड़े तो क्या होता है, श्रापित की बात तो छोड़ो, वो दूसरी बात है। पहली बात क्या, जो हल चलाने वाली चीज उसी के पांव में लगकर उसी को क्या कर सकती है, चोट ला सकती है। इसीलिए वे विश्वासी नहीं तो मसीह जीवन हरदम आगे की रात आगे की ओर ही होती है, कभी भी पीछे की ओर नहीं, नो टर्निंग बैक। लोत की बीवी क्या की, पीछे की ओर मुड़ी, क्या हो गई, नमक की पुतली, सीमेंट का पुतली ही किसी को जरूरत नहीं, तो नमक का पुतली किसी को जरूरत, परमेश्वर हमें नमक बना के रखे हैं, नमक का पुतली बनाकर नहीं रखे। हेलो, हम इस दुनिया के नमक बनना चाहिए, पुतली नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोगों का, बड़े बड़े लोगों का पुतलियां बनाया रखा जाता, क्यों, याद करने के लिए। कितने दिन याद करेंगे, कितना दिन याद करेंगे, बहुत ज्यादा दिन याद नहीं करेंगे। जब उसका बर्थडे रहेगा, डेथ डे रहेगा, तभी याद करेंगे, बाकी दिन कभी याद नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे बोलने का मतलब, हमें परमेश्वर नमक बनाए ताकि हमें दुनिया में रुचिमय बनना जरूरी है। कलीसिया के अंदर हमें क्या किए, कवेनेंट, हम कवेनेंट में आ गए, हम वाचा में आ गए कि मेरा परमेश्वर के वचनों के हिसाब से मैं क्या करूंगा, वाचा बांध चुका हूं, मैं कभी भी परमेश्वर को छोड़ नहीं जाऊंगा, कलीसिया के सदस्यों के विरुद्ध में कभी भी काम नहीं करूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, एक बार वाचा देने के बाद पीछा ना हटो, यू कैनॉट। एक बार शादी का रिश्ता आने के बाद, नहीं तो शादी करने के बाद कभी पीछे हट नहीं सकते, यू कैनॉट गेट बैक। एक बार एक व्यक्ति वाचा बांध दिया ना, अगर वाचा बांधने के बाद अगर वाचा से वो निकल जाता है तो क्या करते जानते हो ना, वाचा बांधते वक्त ये लोग क्या करते हैं, एक एक पशु को लाते हैं और बलि चढ़ाते हैं। एक पशु को क्या करते हैं, दो रीति से अलग करते हैं, इक्वल शेयर, और बोलते क्या जानते हो ना, एक बकरी है तो बकरी को लाकर दोनों को एक ही हिसाब से कट करेंगे, और इसको दो स्प्लिट में रखने के बाद आमना सामना ये दोनों व्यक्ति जो वाचा बांधा है खड़े होंगे। खड़े होने के बाद उस छोर के व्यक्ति इस छोर को चल के आएगा, इस छोर का व्यक्ति उस छोर को चल के जाएगा। जब ये चल के जाते रहेंगे तब क्या बोलेंगे जानते ना, अगर मैं इस वाचा से हट जाता हूँ तो जिस तरीके से इस वस्तु इस 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 मृग शरीर को जैसा काटा दिया गया वैसे मुझे भी क्या कर दो, काट डालो, स्प्लिट मी ऑफ इफ आई गेट रिड फ्रॉम दिस कवेनेंट। इसलिए कवनेंट एक एक लाइफ एंड डेथ डील है, वाचा करना जिंदगी और एक मौत का एक एक गहरी फैसला है। हेलो, बच्चों को क्यों आर्मी नेवी एयरफोर्स में भेजते हैं, सब भेजते क्यों है, पैसा मिलने के लिए,
जब उनकी मौत होती है सरपटक के मारते क्यों है? अरे तूने अपना बेटा को क्यों भेजा? नेवी आर्मी एयरफोर्स में क्यों भेजा? अरे मरने के लिए भेजा, इट वॉज अ ट्रीटी। इसीलिए वो लोग क्या करेंगे, इसे नौकरी में लेने से पहले एग्रीमेंट, ट्रीटी, वाचा, जीऊंगा तो मैं अपने देश के लिए, मरूंगा तो मैं अपने देश के लिए। इसमें मेरे परिवार को या मेरे बीवी को, मेरे बच्चों को, किसी को भी इसके ऊपर क्या नहीं है, अधिकार नहीं है, वाचा। उसके बाद सर पकड़ के पटक के रोके कोई फायदा नहीं, क्योंकि यू गेव अ ट्रीटी, यू गेव अ रिटन स्टेटमेंट। हेलो, इसलिए भाईचारा क्या है, एक कवनेंट है, ट्रीटी है, डोंट ब्रेक दैट कवनेंट। कभी भी उस वाचा को तोड़ो मत। कलीसिया में परमेश्वर हमें कलीसिया का सदस्य इसलिए बनाया ताकि हम वाचा में बंधे रहे, आपस में विश्वासियों के साथ वाचा में बंधे रहेंगे। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आएंगे जो कि हमारा इस क्या बोलते हैं भाईचारा का जो कवनेंट है, ट्रीटी है, उसको तोड़ने लायक बहुत सारे वाचा आएंगे। उनके सामने हम क्या नहीं करना चाहिए, कलीसिया को बाय बाय कह के बोलना, बोल के जाना वाला हिस्सा है ही नहीं। फायदा मिलते वक्त फायदों को उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन है? शैतान है। इसलिए बाइबल कहता है शैतान को अवसर ना दो, डोंट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर डेविल। हेलो, शैतान को बहुत कुछ जगह की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी जगह काफी है। कल पिछले दो दिन पहले मैं एक पास्टर जी की बीवी के गवाही सुन रहा था। उनका बोलने का मतलब, वो एक पास्टर जी की बेटी है, बेटी होने पर भी उनके मन के अंदर था कि दूसरों को माफ ना करना, दूसरों के प्रति हमदर्दी ना दिखाना, दूसरों के प्रति, दूसरों की आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए कुछ ना करना। इस कड़वी अवस्था में ही ये उपवास भी करती थी, प्रार्थना भी करती थी, आराधना भी करती थी, मगर क्या हुआ जानते हैं ना, कुछ चंद सालों के बाद ये इतने तरीके से शैतान इसको पीड़ित कर दिया कि खाना भी हजम नहीं होती थी, खाना भी खा नहीं पाती थी। दिन में उसकी खाना कितनी थी जानते ना, केवल 5 ग्राम, 10 ग्राम, बस उतना ही उसकी खाना। वो परमेश्वर के निकट प्रार्थना करना शुरू की, सबको बोलना शुरू की, और पवित्र आत्मा उसको एक एक चीज याद करना शुरू की। अरे तू लोगों को माफ कर, तू अपने जीवन को करेक्ट करना शुरू कर, ये तेरे को छोड़ के जा सकेगा, ये शैतानिक शक्तियां तुझे छोड़ के देगा। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, परमेश्वर के सन्निधि में, कलीसिया के साथ, भाईचारा में हम कवनेंट आने के बाद, उस कवनेंट से अगर हम लोग निकल जाते हैं, नहीं तो उस कवनेंट से हम अलग शक्तियों को हम क्या करते हैं, अवसर खोल देते। इसीलिए बाइबल कहते घर से शैतान को हटा देने के बाद वो क्या करता है, घर के अंदर मिल के आता है बाकी साथ के साथ। क्यों? पहले जब निकल के गया था वो सोचा क्या, मेरा शक्ति कम है इसलिए मैं क्या करूंगा, अधिक शक्ति के साथ जिस जगह से मैं निकल गया था उसी जगह को जाऊंगा। इसलिए मैं उधारी पाकर, मनपिराव पाकर, शैतानिक शक्तियों को के सामने जैवित होकर हम लोग कलीसिया के साथ क्या किए, कवेनेंट बांधे भाईचारा में आने के बाद, कि इस भाईचारा से हटने के लिए शैतान मौका है हमारे जीवन में देने पर हम पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। अगर पीछे मुड़ेंगे, जो निकल गया शैतान वही साथ बनकर वही जगह पर वापस आएंगे। हेलो, समझ रहे हो? शलोमोन की जिंदगी देखो, परमेश्वर उसको सब प्रकार की अनुग्रह, सब प्रकार की श्रेष्ठता, सब कुछ उसके जीवन दिया, मगर वो अपना जीवन को क्या किया, थोड़ा 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 करके क्या किया, वाचा तोड़कर शैतानिक शक्तियों को वो क्या करना शुरू किया, अनुमति देना शुरू किया।
गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द सैटेनिक इन्फ्लुएंसेस। उसका जीवन ऐसा बन गया कि उसे सैतानिक इन्फ्लुएंस से वो बाहर ही नहीं निकल पाया, उतनी घिनौनी तरीके से वो स्टक हो गया। इश्करियात यूदा को देखो, यीशु मसीह के पीछे अनुगमन होऊंगा बोलकर हो जाऊंगा, मरूंगा भी तो यीशु के लिए, जीऊंगा भी तो यीशु के लिए ही मैं आया हूं, इस सोच के साथ यीशु मसीह के पीछे चलते 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 अवसर उसके जीवन में आया, मौकाएं उसके जीवन में आया। मुझे आश्चर्य लगने वाली चीज क्या, एक ही चीज है, अरे कैसे शत्रु पक्ष के लोग यूदा को खरीदारी किए, कैसे बोले नहीं है? पैसों के लिए। तो ये चीज तुम्हें मालूम, जो चीज तुम्हारे जीवन में अधिक हिस्सा बटवाता है वही चीज तुझे शैतानिक शक्तियों में मिलाने की कोशिश करता है। द थिंग विच इज मेकिंग यू मोर प्रायोरिटाइज, इट इज रिवीलिंग यू टूवर्ड्स सैटनिज्म। जो चीजें तेरे जीवन में बहुत गुरुत्व रीति से नहीं तो मुख्य रीति से बनता है वही तेरे को सैतानिक शक्तियों के प्रभाव में फंसने के लिए अवसर खुलवाता है। इट वॉज मनी विच यूदा इस्करियोत वॉज इंटरेस्टेड। यूदा इस्करियोत मनी के ऊपर बहुत आधारित इच्छुक मन था, मकसद मनी था, ही वॉज ओरिएंटेड फॉर मनी, और वही मनी उसको अपॉर्चुनिटियां खोल कर दिया। मनी गेव हिम अपॉर्चुनिटी। इसीलिए शास्त्रियों फरीसियों क्या किए, पता चल गया अरे ये गिरेगा तो पैसों से ही गिरेगा, इसलिए धीरे 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 इसको क्या करना शुरू किए, खरीदारी करना शुरू किए, डील देना शुरू किए। जो डील थी 30 सिल्वर कॉइन तक आ गई। यीशु को बेचने के लिए 30 सिल्वर कॉइन। हेलो, मौकाएं जीवन में आएंगी, नहीं आएंगे बोलकर मैं नहीं बोलता, मगर उस समय भी हमें क्या करना चाहिए, हमारे कलीसिया के योगदान के साथ, भाईचारा के साथ जो वाचा हमने बांधा है उसको ना तोड़ने की कोशिश करना चाहिए। हेलो, डोंट एवर ट्राई टू ब्रेक द ट्रीटी विच यू हैव इन फादर इन ब्रदरहुड। हो सकते हो तुम कलीसिया के म्यूजिशियन हो सकते हो, हो सकते हो तुम कलीसिया के क्या कर सकते हो, असिस्टेंट पास्टर हो सकते हो, मगर उधर अपॉर्चुनिटी तुमको मिल सकता है, असिस्टेंट पास्टर 50,000 रुपए सैलरी, इधर का छोड़कर उधर जंप होना, इट्स अ मैटर ऑफ ब्रेकिंग द कवेनेंट। इधर म्यूजिक सिस्टम कीबोर्ड बजाते तुम्हें 5,000 रुपए देता होगा, मगर उधर वो बोलेगा मैं तेरे को 15,000 रुपए दे दूंगा, उधर का काम बंद करके इधर आ जाओ, यू आर ब्रेकिंग द कवेनेंट, तोड़ डाल रहे हो। जब तुम उस कलीसिया में कीबोर्ड बजाने के लिए आए थे तुम क्या ट्रीटी किए थे कि मैं यहां पे कलीसिया में क्या करूंगा, कीबोर्ड बजाऊंगा, अगर बजाऊंगा अगर निकल भी जाऊंगा किसी और को मैं क्या करूंगा, इसमें इस जगह में एंट्री दिलाने के बाद ही मैं क्या करूंगा, निकल जाऊंगा। अगर वो चीज नहीं कर पाते हो तो यू आर इनडायरेक्टली ब्रेकिंग द कवेनेंट रिलेशनशिप ऑफ ए ब्रदरहुड। भाईचारा का क्या बोलते हैं, क्या भाईचारा का जो वाचा को क्या कर रहे हो, तुम खुद तोड़ रहे हो, और किसका तुम प्रचार कर रहे हो। अवसर के हिसाब से दौड़ने वाला हिस्सा नहीं है कलीसिया की। बाइबल कहती है पूछो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या कर दिया जाएगा, खोला जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज सीकिंग अस, अपॉर्चुनिटीज हमें क्या करेगा, ढूंढते ढूंढते आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ही कहा है आते वक्त हमें क्या चरना, हमें क्या करना चाहिए। यह परमेश्वर से आया हुआ अपॉर्चुनिटी है या शत्रु पक्ष से आया हुआ अपॉर्चुनिटी है, यू शुड रियलाइज इट। वही है वाचा का
ट्रीटी कवनेंट। इसीलिए ना यशुआ के निकट परमेश्वर के दूता आते वक्त यशुआ ने क्या कहा, तुम किसके पक्ष हो, परमेश्वर के या शत्रु पक्ष के? आस्क इट एंड नो इट, जानो और पहचानो। इसलिए एक जमाने में एदोमियों के राजा क्या किए, परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए, आराधना बनाने के लिए चीजों को, औजारों को, व्यक्तियों को दिया। वही राजा मौका मिलने पर वो क्या बन गया, शत्रु पक्ष में मिलकर इसराइलियों को क्या करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, उसको ऐसा निचोड़ डाले कि उसको ऐसा तोड़ डाले कि और कभी भी वो ऐसा उठ ना सके, उस रीति से परमेश्वर उसको तोड़ डाले। इसलिए मैं आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन से मैं एक चीज गुरु रीति से बोलता हूं, डोंट ब्रेक द कवनेंट विच यू हैव विद द ब्रदरली रिलेशनशिप। भाईचारा के जो तत्व में जो वाचा तुमने बांधी है, कभी भी उसको तोड़ो मत, फायदा देखकर तोड़ो मत। Don't break when you get opportunities opening before you. इसीलिए हमें समझने की चीज, वी शुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, वी आर अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आधारित हम जीवन यापन कर रहे हैं, परमेश्वर की कलीसिया में हम योगदान पा रहे हैं, हमारा योगदान कलीसिया के साथ है, वी आर इन ए फेलोशिप विद द चर्च, वी हैव अ ट्रिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा का एक तत्व, नहीं तो भाईचारा का एक वाचा हमें बांध कर रखा है। इसीलिए परमेश्वर के साथ हमें बंधे पड़े हुए, अपॉर्चुनिटीज आने पर स्टार्ट रिजेक्टिंग इट एंड एक्सेप्टिंग गॉड, परमेश्वर को आधारित होना का शुरुआत करो, स्टार्ट सीकिंग द विल ऑफ गॉड। प्रेज यू जीसस, हालेलुया। इसीलिए यहां पे बताया गया कि पहली अध्याय नवे वचन में देख सकते हैं, जो परमेश्वर के लिए भाईचारा का ट्रीटी बांधा उसने, उसने परमेश्वर से क्या जजमेंट पाया, He received judgment. अब प्रेरितों का किताब नवी अध्याय उसकी तीसरी वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 30, हनन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, हाँ। और यहाँ भी प्रधान याजक की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। देखो क्या बता रहा है यहाँ पे उसके तीसरी वत 30, फिर एक बार, हनन्या ने उत्तर दिया, उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। कहां से सुना है, दूसरों से सुना है, हर से इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती, वट एवर इंफॉर्मेशन यू रिसीव इट मे बी करेक्ट इट मे नॉट बी करेक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलता है वो करेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अरे परमेश्वर साउल को पकड़ने के बाद परमेश्वर किसको बोल रहे हैं, अनन्या को बोल रहे हैं, जाओ उसको जाके मिलो, तो ये परमेश्वर के दास भविष्य पकता है, ये क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर मैंने सुना है, किन से, भाइयों से, कब की बात है, बहुत दिनों पहली वाली बात है। हेलो, डोंट लिसन टू पीपल एंड स्टार्ट टीचिंग गॉड, लोगों को सुनकर परमेश्वर को सिखाओ मत। ऐसे लोग कलीसिया के अंदर पैदा हो रहे हैं, लिसन फ्रॉम गॉड एंड रिसीव फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से सुनो और परमेश्वर से समझो। कल तक जो तुमने सुना था वो आज का हिस्सा नहीं बन सकता, yesterday what you heard टुडे इट cannot बी flourished, इट cannot लीव यू टू गो फ्रंट, वो तुम्हें आगे लेने की कोशिश नहीं करवाए। कल तुमने सुना होगा कि शॉल एक कौन था, सताव देने वाला व्यक्ति था, मगर आज वो परमेश्वर के द्वारा पकड़ा गया है। Yesterday's information was that Paul was a man who used to persecute the church, but today the information is that he has been caught, परमेश्वर उसको पकड़ लिए, परमेश्वर उसको पकड़ दिए।
डू यू लिसन, क्या तुम सुनते हो, कौन सा चीज तुमको उतना सुनवाने की इन्फ्लुएंस दिलाती है, वॉट इज द थिंग दैट इज मेकिंग यू इन्फ्लुएंशियल टू हियर। हेलो हेलो, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के योगदान पाए हुए व्यक्ति हैं, हम कलीसिया में मिले जुड़े व्यक्ति हैं, बट एस्टरडेज इंफॉर्मेशन इज नॉट द इंफॉर्मेशन व्हाट यू शुड हियर टुडे। कल की इंफॉर्मेशन नहीं आज तेरे जीवन को चलानी चाहिए। कल तक सॉल सबको सताव देने वाला व्यक्ति था, मगर आज परमेश्वर के द्वारा पकड़ा गया व्यक्ति बन गया है। टुडे, आज आज आज, हेलो, कल की इंफॉर्मेशन कलीसिया में नहीं इंपॉर्टेंस, आज का। अरे आज तेरे से परमेश्वर बात किए कि नहीं, आज तेरे कलीसिया में बोलने के लिए क्या इंफॉर्मेशन है तेरे भाई के मुंह से। हेलो, सब कल 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 के बारे में सोच रहे, परमेश्वर क्या बोलते हैं, आज के बारे में सोचो, अभी के बारे में सोचो, कल क्या होगा वो मेरा हिस्सा है, और बीते कल बीते दिन में क्या हुआ उसके बारे में सोचने की जरूरत है ही नहीं, वो इंफॉर्मेशन कभी भी चेंज हो सकती है। हेलो, एस्टरडेज इंफॉर्मेशन कैन चेंज बिकॉज, क्यों, एक परमेश्वर हमारे लिए है, एक परमेश्वर का हाथ हमारे लिए काम कर रहा है। हेलो, इसीलिए प्रतिदिन परमेश्वर से हमें सुनना जरूरी है। क्यों, कल का जो इंफॉर्मेशन हमें डिप्रेस कर सकती है, सप्रेस कर सकती है, हमारा आत्मिकता को तोड़ सकता है। सो स्टार्ट रिसीविंग डेली 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 मैसेजेस फ्रॉम हेवन, स्वर्गीय मैसेज स्वर्गीय तत्व से सुनना शुरू करो, वही है असली भाईचारा। इसीलिए यहां पे हनन्या को परमेश्वर क्या बोलते हैं, इसका 30वां वचन, हाँ, 9:30, प्रेरितों का किताब 9:30, 30, 30, 30, यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तर्सुस को भेज दिया। देखा ना, भाइयों ने उसको क्या किया, कैसरिया ले आए। ये सॉल के बारे में बताया गया, सॉल यरूशलेम में आकर रुकना शुरू किया, शुरू करने के बाद यरूशलेम में प्रचार करना शुरू किया, प्रचार करने करते वक्त लोग उसको क्या करना शुरू किए, मारने के लिए पीटने के लिए आए। उस दौरान कलीसिया क्या किया, उसको बचाया और उसको छुटकारा देकर कहां भेज दिए, सिजरिया को भेज दिए। हेलो, अगर कल के इंफॉर्मेशन के बारे में कलीसिया पकड़ा हुआ होता तो कभी भी सॉल को एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं तो पॉल को एक्सेप्ट नहीं करते, जो कल तक कलीसिया को सताव दे रहा था, बनकर कलीसिया का भाई बनकर कलीसिया में सुसमाचार बोलकर लोगों को कलीसिया के अंदर लाने की कोशिश किया, वो कल का इंफॉर्मेशन नहीं, वो आज का इंफॉर्मेशन। टुडेस इंफॉर्मेशन गॉट चेंज बिकॉज इट वॉज गॉड हु कॉट हिम, क्योंकि आज का इंफॉर्मेशन बदला। क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पकड़ा और उसे क्या किया, कलीसिया के अंदर लेके आया, उसे भाई बनाया, भाई बनाने के बाद कलीसिया के लोग उसे क्या किए, भाई के हिसाब एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट करके करने के बाद क्या हुआ जानते ना, सताव इतना परमेश्वर के दास पॉल के विरुद्ध में आया कि कलीसिया एकजुट बनकर इसे क्या कर दिए, बचा के दूसरे देश भेज दिए। अगर हम होते तो हेलो, आजकल के कलीसियाओं में देखो, अगर ऐसा होता तो, अरे बाबू हमको लेन देन नहीं, वो मार खाया उसका गया, मेरा क्या, उसको सतावाया तो उसका गया, मेरा क्या, नो, वो नहीं है तत्व।
परमेश्वर हमें कलीसिया के योगदान में क्यों किए, ताकि हम ब्रदर्स बन सके, वी कुड बी ब्रदर्स, वन इन स्पिरिट, वन इन वर्ड, वन इन एक्शन, एक ही वचन में, एक ही शब्द में, एक ही आत्मा में हम क्या कर सकते हैं, भाई बनकर जीवन यापन कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए क्या किए, यरूशलेम के चर्च किसको एक्सेप्ट किए, सताव देने वाला पावलोस को, साउल को क्या किए, एक्सेप्ट किए, उसे बचाए, उसे एक परिवार के समान क्या किए, अंगीकार किए। हेलो, प्रेज लॉर्ड। यह है भाईचारा, किसी की पुरानी जिंदगी देख के आज का जिंदगी फैसला मत लो। हेलो, बीते कल के बारे में देखकर आज के बारे में भविष्यवाणी मत बोलो। डोंट प्रेडिक्ट समबडी नोइंग द ओल्ड लाइफ। पुराने जिंदगी को देखकर आज का प्रेडिक्शन मत करो, वो गलत भविष्यवाणी है, इट्स एन रॉन्ग इंफॉर्मेशन। क्योंकि आज के दिन बाइबल कहता है, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए मैं परमेश्वर का क्या करूंगा, स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा। टुडे बिलोंग्स टू गॉड। कल की हिस्सा कैसी भी हो सकती है, मगर आज के दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए परमेश्वर का क्या, परमेश्वर की आवाज में कोई भी व्यक्ति सुन भी सकता है, वो बदलाव कभी भी उसके जीवन में आ सकता है। इसलिए स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल, कलीसिया में भाइयों को एक्सेप्ट करना शुरू करो, जरूरत मन पड़ने वाली हिस्साओं में हेल्प देम। उसी प्रेरितों का किताब 11वीं अध्याय उसकी 30वां वचन, तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। देखा ना, उसकी 11वां अध्याय उसका 27वां वचन से अगर पढ़ते हैं तो कलीसिया एक बार मिलकर, एकदम मिलकर क्या किए, प्रार्थना करते वक्त एक भविष्यवाणी हुई, किसके द्वारा, अगबस के द्वारा। क्या भविष्यवाणी की, कि आने वाली कुछ दिनों में क्या होने वाली है दुनिया में, दुनिया भर में क्या, देश भर में क्या आनी है, अकाल आने वाला है, खाना पीने की बहुत कमी रह जाएगी, कुछ मिलेगी नहीं। किसको पता चला, कलीसिया को, ब्रदर्स को। हेलो, जब भाइयां मिलके प्रार्थना करना शुरू करते हैं, देश के ऊपर आने वाली सतावों को भी क्या कर सकते हैं, जागरण दिला सकते हैं। हेलो, अगबस ने भविष्यवाणी किए कैसे, कि पवित्र आत्मा के द्वारा, कि क्या ये कुछ दिनों में क्या आने वाली है, अकाल आने वाली है। अकाल आते वक्त क्या किया, कलीसिया के सदस्य लोग क्या किए, अपने अपने हिस्सों के हिसाब से ये लोग क्या करना चाहिए, दूसरों को सहायक मंद बने। हेलो, जब तेरे पास सब कुछ है तब देने के लिए बहुत लोग हैं तैयार, जब अकाल आएगी तब देने के लिए कितने रहेंगे। हेलो, इसलिए उसके 29 में बता क्या गया, तब चेलों ने निर्णय लिया हाँ, कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार, पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले हाँ की सहायता के लिए कुछ भेजे। किसकी सहायता के लिए, भाइयों की सहायता के लिए। लो, आज के जेनरेशन में कलीसिया को भाइयों का सहायता का देने वाले लोग आने चाहिए। There should be people who can be a helping hand for the other brother who is the member of the church. कलीसिया के सौभाग्य में रहने वाला दूसरा जो भाई, उसको he needs a helping hand. आज का ट्रेंड ऐसा बन गया कि एक भाई खड़े होके बोलेगा, मैं अपने घर में खाना खाने के लिए भी बहुत मुश्किल से पड़ रहा हूँ, मैं अपना घर बांधने के लिए बहुत कष्ट से तकलीफ से जा रहा हूँ, तो कलीसिया पूरा बोले हम सब मिलकर इसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के लिए
बस प्रार्थना करना ही नहीं, प्रार्थना करने के बाद क्या करो, कुछ सहायता भी दो। ठीक है, 1 करोड़ नहीं दे पाए, अरे जितना तेरे पास है उतना तो दे। एक भाई गवाही दिया कि बहुत मुश्किल से मैंने पैसा जुगाड़ जुगाड़ करके एक छोटा सा जमीन लिया और मैं छोटा सा एक घर बनाना चाहता हूँ, और उसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा काम कर लिया और बाकी काम करने के लिए उसके पास पैसे नहीं। तो वो गवाही दिया कलीसिया में कि और कुछ बाकी भी है वो पूरा करना चाहता हूँ, मगर मेरे हाथों में पैसा नहीं है, आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, बोलकर गवाही बोल गया। बोलने के बाद विश्वासी सब मिलकर क्या किए, प्रेयर किए, प्रभु उसका घर को बनाने के लिए स्वर्ग से दूत को उतराइए, उतरवाइए, जैसा याकूब के दर्शन के हिसाब में दूतागण ऊपर नीचे आ रहे थे, वैसे ही आकर इसके घर का काम को पूरा कीजिए। तो उधर बैठे हुए पास्टर जी जो प्रचार करने के लिए आए थे वो बोले, जब प्रचार करने का टाइम हो वो बोले, अरे रे 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 हेलो, दूतों का काम नहीं है, स्वर्ग से ईटा उतार के ला के डालने का काम दूता का काम नहीं है, वो तो काम तेरा है। आजकल सब लोग क्या करते हैं, मिनिस्ट्री पूरा दूत के हाथ में देते हैं। नो, व्हेन इट इज टाइम स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, जब जरूरत पड़ती है दूसरों को सहायक मन बनो। अगर बनते नहीं तो भाई बोल के क्या फायदा। प्रेज़ यू लॉर्ड। आजकल के सब लोग भाई का हिस्सा कब दिखाते हैं, जब संपत्ति की बटवा होती है। हाँ या ना, जब संपत्ति की बटवा होती है तब भाइयों का प्रेम, हमदर्दी, दया, विनय देखना चाहिए। मिल जाने के बाद ना घर का ना घाट का। प्रेस लोड नहीं बोले, वैसा नहीं होना चाहिए। कलीसिया के अंदर की भाईचारा क्या होना चाहिए, दूसरों का मददगारी, सहायक मंद। अरे एक मंदिर में जो विधवा स्त्री कलीसिया के अंदर गई और उसने डाली कितनी, चंद चिल्लर। अरे चंद चिल्लर भी काफी है किसी की आत्मिकता को खड़ा करने के लिए। हेलो, तेरे घर में रुका हुआ चंद तेल काफी है, तेरे घर में रुका हुआ चंद मैदा काफी है किसी की पेट पूजा करने के लिए, किसी की पेट भरने के लिए। हेलो, तेरे घर में रुका हुआ चंद तेल काफी है, तेरे घर में रुका हुआ बचा हुआ चंद मैदा काफी है रोटी बनकर किसी की पेट को, किसी की पेट की पेट में रखा हुआ भूखापन को दूर हटा सके। अगर उसका पेट का भूखापन दूर हट गया तो तेरे घर का अंदर की भूखापन भी दूर हट सकती है। हेलो, जब तुम किसी और के भूखेपन को महसूस नहीं करते, किसी और के भूखेपन को तुम दूर नहीं कर सकते, किसी और के भूखेपन में तुम खाना नहीं दिलवा सकते, तो तुम्हारा क्या खाना मिलेगी। हेलो, स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, भाइयों को सहायता करो, कलीसिया के सदस्यों को हेल्प करो। अब पहली कुरिन्थिया उसकी 5वां अध्याय उसका 11वां वचन, 1 Corinthians 5:11, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्तिपूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, ऐसे मनुष्य के साथ खाना पीना खाना। हेलो, ये चर्च का ब्रदरली डिसिप्लिन है, चर्च का भाईचारा का तत्व। इसलिए क्या यहां पे क्या, अगर तुम में से कोई भी
हाँ 11 वचन। पर मेरा कहना यह है हाँ कि यदि भाई कहलाकर व्यभिचारी भाई, भाई कहने के बाद व्यविचार व्यभिचारी करते हुए हाँ या लोभी लोभी, हाँ लोभी बनकर, या मूर्ति पूजक जब मूर्ति पूजक या गाली देने वाला, क्या 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 क्या, गाली देने वाला हालेलुया, गाली देने वाला पियकड़ या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो प्रेज लॉर्ड, अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, तो उसके साथ संगति, मत करना। हेलो, उस व्यक्ति के साथ क्या मत करो, संगति ही मत करो। हाँ खाना खाना भी न खाना। भी नहीं खाना, हेलो, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट ही मत हो। हेलो, क्योंकि उन जमानों में रीति रिवाजें ऐसे थी कि खाना पीने के बारे में वो लोग बहुत गुरुत्व थे। आज भी ऐसे ही है, हाँ या ना, खाने पीने के मामले में कितने परफेक्ट रहते हैं, हाँ या ना। शादियों में देखो, पार्टियों में देखो, खाने पीने की मामला, ओह क्या केयरिंग। मगर बाइबल इधर क्या कहती है, डू नॉट एसोसिएट विथ सो कॉल्ड ब्रदर्स, ऐसे बुलवाने वाले भाइयों से क्या मत करो, एसोसिएशन मत रखो, मिलाव मत रखो। अगर कोई आत्मिक चीज में गुरुत्व नहीं देता, डोंट एसोसिएट विथ देम। तो इनका हिस्सा क्या है, ये लोग भाइयां कहने के बाद ये लोग क्या करते हैं, व्यभिचार। फिर ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लोभी, लोभ। फिर मूर्ति पूजक मतलब परमेश्वर को प्रेम नहीं करेंगे, परमेश्वर के बदले किसी और चीज को क्या करते हैं, आधारित होना। फिर गाली देते हैं, हेलो गाली। फिर क्या, पियक्कड़, पियक्कड़ मतलब, हाँ हम लोग का सबका सोचना वही है, पीने वाला ना वो बोल के, हम लोग, मैं तो पीता नहीं हूं इसलिए नो प्रॉब्लम। नो, जो चीज तुम अधिक लेते हो वो तुमको क्या कर देता है, हाँ पिया कर। अब तुम ज्यादा कॉफी पीते हो, ज्यादा हाँ पीते हो, तो वो तुमको पिया कर है। लो, ज्यादा कोक पीते हो वो तुम्हारा ड्रंकर्डनेस है। क्यों, क्यों, एक आदमी हजम होने के लिए थोड़ा ड्रिंक पी सकता है, एक बार दो बार पी सकता है, अगर पेट में कुछ गड़बड़ी है तो पी सकता है, नहीं तो हजम होने के लिए पी सकता है, नहीं तो ट्रैवल करते वक्त पी सकता है, मगर उसके बिना मेरी जिंदगी है ही नहीं बोले से उसका अर्थ क्या है। हाँ वो उसका अधीन बन गया है। हेलो, ड्रंकर्डनेस। आजकल के बहुत कलीसिया के विश्वासी खाने पीने के मामले में कितना गुरुत्व, आत्मिक चीजों में उतनी गुरुत्व रखते ही नहीं, ऐसे विश्वासी लोग। लो, ऐसे लोगों के साथ मिलो मत, खाओ मत। तो ऐसे लोग कलीसिया के अंदर आएंगे तो क्या करेंगे, बोले नहीं, ऐसे लोग अगर कलीसिया के अंदर आ गए तो क्या करेंगे, वचन से बताना है, वचन की साव। इसीलिए ना पौलुस यहां पे क्या करते हैं, उन चीजों को पत्रिका के हिसाब से लिख कर उनको बता रहे हैं,
अगर तो भी सुनते नहीं, क्या करना चाहिए? प्रार्थना करके, प्रार्थना करके दे छोड़ देना है। आया ना? देखो उसकी तीसरा, तेरा वचन, तेरा। परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, हाँ, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। एक्सपल दम फ्रॉम द चर्च। हेलो, ये अविश्वासियों के बारे में बोला नहीं गया, ये विश्वासियों के बारे में बोला गया है। कलीसिया के अंदर आकर भाई बन के रहने वाला व्यक्ति के बारे में, माने आत्मिक चीज में गुरुत्व ना देकर शारीरिक चीजों में बहुत गुरुत्व देने वाले व्यक्तियों को क्या चाहिए? दे नीड मैसेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन उनको जरूरी है। परमेश्वर के वचन सुनने के बाद भी, परमेश्वर का काउंसलिंग पाने के बाद भी, इफ दे आर नॉट विलिंग टू चेंज इट, क्या करो? निकाल दो, एक्सपेल देम। हेलो, उनको बोल के भेजना चाहिए क्यों हम उसको निकाल रहे हैं। हेलो भाई, भाई बनना अच्छी बात है, मगर बुरा, अच्छा बुरा होते वक्त उसको क्या करना चाहिए? जानकर बुरा किया तो उसको अच्छे करने के लिए उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर कोई बुरा कर रहा है और तुम मुंह बंद करके बैठे हो तो उसका अर्थ क्या है? तुम किसके पक्ष हो, अच्छे के या बुरे के? तुम परमेश्वर के पक्ष हो या उसके? एक व्यक्ति कलीसिया के अंदर वचन के विरुद्ध काम कर रहा है और तुम अपने मुंह बंद करके मुंह में ताला बांध के बैठे हो तो उसका अर्थ तुम किसके पक्ष में हो, परमेश्वर के या उसके? तो उस व्यक्ति को कौन इतना प्रभावित कर रहा है? शैतानिक शक्तियां उसको प्रभावित कर रहा है। परमेश्वर के दास डीएल मूडी, सॉरी डीएल मूडी नहीं, स्पर्जन, वो परमेश्वर के वचन बोलते वक्त एक पास्टर जी उनके पास आके बोले, पास्टर जी आप ज्यादा खाना खाते हो, खाना कहाँ, ज्यादा खाना अमिता, ज्यादा खाना खाना वो पाप है। वो बोलते ही पास्टर जी डर गए। उस दिन से उनका खाने का क्रम को वो ठीक कर दिए, सेट कर दिए। हेलो, भाईचारा का हिस्सा क्या है? इफ समबडी डस ए रॉन्ग, कोई कलीसिया के अंदर गलती करता है, भाई होने के नाते हमारा मुंह ताला बंद करना नहीं, बदले में क्या करना चाहिए? उसे घोषणा देकर, बताकर, उसे समझाना चाहिए, पर भी वो समझता है ही नहीं, तो एक व्यक्ति को कैसे चर्च से एक्सपेल कर दोगे? बोल दोगे गेट आउट और चर्च में मत आना, ऐसे बोलोगे? फिर समझा दिए, समझाने पर भी वो समझा नहीं, क्या 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 करोगे? बता दिए, उसके बाद उसको निकालोगे कैसे? वचन से बताकर, बता के तो निकाल दे, वही कैसे चर्च मत आओ बोलोगे? फिर जैसे हम लोग लाए वैसे ही उसको क्या करना चाहिए? कैसा एक व्यक्ति को कलीसिया के अंदर लाए? नो, सुसमाचार बता के एक व्यक्ति को कलीसिया के अंदर लाए, और एक व्यक्ति कलीसिया के अंदर से बाहर कब जाता है? जब वो वचन का गहराई समझता नहीं, उस रीति से करना नहीं चाहता है। हमें बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद निकल जाएगा। तुम्हें गेट आउट बोलने की जरूरत नहीं। हेलो, तुम्हें खुद गेट आउट बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद निकल जाएगा। आया ना?
अगर नहीं निकला तो? निकलेगा भाई, निकले क्यों नहीं निकलेगा। अब तुम उदाहरण से, तुम सिगरेट पीने वाले हो और मैं हरदम सिगरेट पीना गलत 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 बोलूंगा। अगर वो आ रहा है तो अच्छी बात है, तो वो कुछ ना कुछ सुधारना चाहता है। हेलो, अगर वो लिख बार बार आ रहा है तो सोच लेना वो अपना जीवन को क्या करना चाहता है। हाँ, सुधारना चाहता है। इसीलिए क्या कर रहा पॉलोस, क्या कर रहा जानते हो ना, ताकि कलीसिया को क्लीन करने वाले हिस्सा क्या करना चाहिए, कलीसिया के अंदर जरूरी है। क्यों हम लोग हर दिन हर 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 हफ्ते कलीसिया क्यों जाते हैं? एक क्लीनिंग पाने के लिए, एक शुद्धिकरण पाने के लिए। हेलो, इसीलिए हमारे अंदर सेपरेशन की जरूरत है। और भाईचारा में बहुत गुरुत्व वाला चीज क्या है? बीइंग सेपरेट फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए अलग बने रहना। अब देखते हैं नंबर्स के किताब, उसका 20वां अध्याय, उसका 14वां वचन। नंबर्स चैप्टर 20:14, गिनती का किताब 20वां अध्याय उसकी 14वीं वचन। गिनती का किताब 20वां अध्याय उसका 14:14। फिर मूसा ने कादेश से यदूम के राजा के पास दूत भेजे, तेरा भाई इज़राइल यो कहता है, हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होगा। यहाँ पे लिखा गया, अनुभव में देख सकते हैं, इसराइली लोग कहाँ पे आके पहुंचे? कदेश में आके पहुंचे। कदेश में आके पहुंचने के बाद एदोमी के राजा को क्या किए? एक चिट्ठी लिखे। एदोमी कौन है जानते हो? याकूब का भाई एसाव, उनके संतान। वो लोग बहुत बड़ा देश बनकर वो लोग क्या किए, वहां जीवन यापन कर रहे थे। तो उस देश के राजा को क्या किए, एक चिट्ठी लिखे कि हम लोग इस रास्ते से आगे जाने की चाहते हैं, क्या करो, हमें रास्ता दो। मगर वो एदोमी के राजा क्या नहीं किया, रास्ता दिया नहीं। अब उसकी 14वीं वचन पढ़ो। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे, हाँ, तेरा भाई इज़राइल यो कहता है, हाँ, हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होगा। हम पर जो क्लेश पड़े हैं वो सब तू जानता होगा। हाँ, किसका भाई है ये? याकूब का भाई है, मगर वो कभी जानना ही नहीं चाहता क्लेश। हेलो, इसीलिए वो क्या बोलता है जानते हो ना, उसका 18 पढ़ो, 18 वचन पढ़ो। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा, तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना। हालेलुया। भाई है, क्या बोलता है? तलवार लेके, हाँ, युद्ध करूंगा। तलवार लेके सामना करने को निकला, तैयार हूं। ऐसे लोग भी हैं, बोलते भाई, जरूरत पड़ने पर क्या निकालेंगे? तलवार निकालने के लिए तैयार। हेलो, बोलते हैं भाई जाने दो एदोमी। इसीलिए क्या किया, याकूब का भाई जो ऐसा था वो क्या किया, परमेश्वर के झुंड से अलग बनकर रहा। मूसा सोचा क्या जानता नहीं, ये भाई है, ये हमारा दुख दर्द को समझेगा, मगर ये दुख दर्द को क्या नहीं किया, समझा ही नहीं। बदले में क्या निकला, युद्ध करने के लिए तैयार बन गया। हेलो, हमें परमेश्वर कलीसिया में भाई बने के रखे, किसी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए नहीं। इसलिए बाइबल कहता है हमारा युद्ध किसके विरुद्ध है? हाँ, शैतानिक शक्तियों के विरुद्ध, रक्त और खून के, शरीर और खून के विरुद्ध नहीं है। आत्मिक तल पर हमारा युद्ध चल रहा है, शैतानिक शक्तियों के विरुद्ध, शैतानिक तंत्रों के विरुद्ध।
शैतानिक तत्वों के विरुद्ध, उस पर हमें विजयवंत होना चाहिए, मनुष्य के ऊपर नहीं। इसलिए बाइबल कहानी के हिसाब से सताव क्यों आती है, मनुष्य क्यों कलीसिया को सताव देती है, क्योंकि उन मनुष्यों के अंदर कौन शैतानिक शक्ति प्रभुत्व कर रहा है। इसलिए सताव आते वक्त हमें उसे मारने से फायदा नहीं, उस मनुष्य को मार के फायदा नहीं, किसे मारना चाहिए, उसके अंदर प्रभुत्व करने वाला जो शैतानिक शक्ति है उसको हमें क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, युद्ध करना। कौन सा युद्ध? प्रार्थना का युद्ध, उपवास का युद्ध, सहवास का युद्ध। हेलो 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 हेलो। इसलिए कलीसिया को संगति जरूरी है, इट नीड फेलोशिप। हाथों की भूत लातों से मानते हैं, डायलॉग बोलना बड़ी अच्छी बात है, वो भूत निकलेगा नहीं, ये हाथ बात बोलकर निकलने वाली चीज है नहीं। क्या करना चाहिए, परमेश्वर के निकट दंडवत करके बोलना है, परमेश्वर ये व्यक्ति को शैतानिक शक्तियों से क्या करो, रिहाई दो, और हमें कलीसिया को इसके ऊपर विजयवंत बनने के लिए हमें सहायता दो। इसलिए बाइबल कहता क्या है, सुसमाचार में कहा गया है, शैतानिक शक्तियों के ऊपर नहीं तो नरक के बल के ऊपर जीतने के लिए परमेश्वर हमको क्या किए, शक्ति दिए, सामर्थ्य दिए हैं, वो है भाईचारा। हेलो। जो युद्ध करने के लिए हमारे सामने आता है उसके सामने जीतने के लिए हमें घुटनों पर आना जरूरी है। युद्ध जीतना है तो घुटना, घुटने की शक्ति, घुटने में क्या करना चाहिए, परमेश्वर की शक्ति की सामर्थ्य प्रार्थना के बल में आना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह हमें प्रार्थना सिखाए हैं। क्यों प्रार्थना करना है, बहुत सारे युद्ध जीतने के लिए। वो एदोमीय हो सकते हैं, वो तूर के राजा हो सकते हैं, कहीं के व्यक्ति भी हो सकते हैं, कलीसिया के अंदर के अपवित्र व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना जरूरी है, वो हमारा फर्ज बनता है। इसलिए बाइबल कहता है प्रार्थना में क्या, हम टेम्पटेशन में ना गिरे, इसीलिए हमें क्या कीजिए, सहायता दिए, डोंट लेट मी इन टेम्पटेशन। क्यों, प्रार्थना की जरूरत है ताकि टेम्पटेशन से हमें बचने के लिए। इसलिए आइए परमेश्वर के सन्निधि बनने के लिए सहायता दीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज जो वचने हमने सुने, भाईचारा के विषय में हमने सुना परमेश्वर, अच्छे भाई बनकर जीवन यापन करने के लिए परमेश्वर, शैतानिक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करके परमेश्वर जीत हासिल करने के लिए हमें सहायता दीजिए परमेश्वर। दूसरों को सहायक मंद वाले ठहरने वाले भाइयों के हिसाब से हम कलीसिया में जीवन यापन करने के लिए हमें सहायता दीजिए बोल के प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर, हमने जो वाचा बांध के रखा है भाइयों के हिसाब से, उस वाचा के हिसाब से परमेश्वर कलीसिया में योगदान पाकर चलने के लिए हमें सहायता दीजिए परमेश्वर। बहुत लोगों को सहायक मन बनने के लिए, बहुत लोगों को आत्मिक तट पर खड़ा करने के लिए, बहुत लोगों की जीवन में जो कुछ भी अपवित्र चीज़ें हैं उन चीज़ों को याद दिलाकर उनको परमेश्वर के सन्निधि में अच्छी तरीके से खड़ा करने के लिए सहायता दीजिए बोल के प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आज जो वचन हमारे सामने पेश किया गया है उन वचनों को हमारे जीवन में आधारित होकर चलने के लिए सहायता दीजिए। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन।